लीडर और ऑल इंडिया बिजनेस प्रमोटर, आज फिर से आप सभी के सामने हूँ। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो जगह इंडिया का जो न्यू वेबसाइट है उस पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे आप सभी को लॉग इन करना है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर तो वीडियो को स्किप कीजिएगा तो शायद आप लोग रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी उसको जान नहीं पाएंगे। तो मैं इससे पहले बताना चाहूंगा कि जो जीआर इंडिया का बाइनरी प्लान हो चाहे फ्री प्लान हो, ठीक है, दोनों प्लान में आप लोग इसी के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से इशू या फिर लॉगिन से इशू अगर कोई भी दिक्कत वगैरह होता है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहता है, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक दिया हुआ रहता है, हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और हमें मैसेज करके उसका समाधान पूछ सकते हैं। हम आपको 24 घंटे के अंदर उसका आंसर देंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूँ, आप लोग जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो अपना लीगल डॉक्यूमेंट के साथ करें, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ करें, अपना ईमेल आईडी कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए, वरना आपका आईडी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आप सभी को आ जाना अपने क्रोम ब्राउजर पे या फिर जो भी आपका ब्राउजर यूज करते हो उस ब्राउजर पे आ जाना, ठीक है। और उस ब्राउजर पे आके आप लोगों को सर्च करना है jrindia.in, ठीक है। क्या सर्च करना है? jrindia.in। जैसे आप सर्च करेंगे आपको ऐसा मिलेगा www.jrindia.in। फिर आप लोग को जीआर इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही जीआर इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा कुछ आप लोग का ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये जो ऊपर में 3 लाइन बना हुआ है ब्लू कलर में, इसको आपको क्लिक करना है, फिर लॉगिन का ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एक नया पेज इंटरफेस ऐसा आएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखिए रजिस्टर लिखा हो, फिर आप लोग को रजिस्टर में जाना है और यहाँ पे जितने भी डिटेल्स मांगे गए आपको सब डिटेल्स फिलअप करना है। तो मैं अपना डिटेल्स फिलअप करता हूँ और आप लोग को याद रखना है कि स्पॉन्सर आईडी में अपना स्पॉन्सर आईडी फिलअप करना है और क्रिएट यूजर आईडी में, यूजर आईडी में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका अपना यूजर आईडी होगा, ठीक है। यूजर आईडी आप 2486 कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब वो याद रखना चाहिए, ठीक है। और जो आपका नाम होगा वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, वरना आपका अकाउंट जो होगा जब केवाईसी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पैन कार्ड में जो नाम होगा वही नाम डालना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल है वो एकदम बिल्कुल सही डालना है। तो चलिए अब हम लोग अपना फिलअप कर लेते हैं सारा। तो जैसे कि आप सभी को देख पा रहे होंगे मैंने जो अपना सारा डिटेल फिलअप कर दिया। याद रखना है आपको अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी, अपना ओरिजिनल फोन नंबर और अपना स्पॉन्सर आईडी, जो भी आपको स्पॉन्सर करता है वो सही डालना है, या फिर आप भी जिसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो अपना स्पॉन्सर आईडी सही डालना है और पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको नाम देना है, ठीक है। इसी से आपको केवाईसी कंप्लीट होगा। फिर आपको क्या करना है, जो आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन इस पर क्लिक करना है आपको, जैसे कर